हम लोग सिकंदरा राव के भुक्तेश्वर कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक परिवार से मुलाकात कर रहे हैं जिनका नाम जो है कमेटी जो है सत्संग की उसमें डाल दिया गया है, और पुलिस ने जो है सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन ने जो FIR की है वो मैनेजर्स जो थे जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज करके FIR दर्ज की गई है। इसमें जो है राम सेवक दीक्षित जी जो है हमारे साथ उनका नाम भी शामिल है, और इनकी जो धर्म पत्नी है राधा रानी जी, उन्होंने हमें बताया कि राम सेवक जी जो हैं उनको पैरालिसिस की बीमारी है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो सत्संग जो हुआ है उसमें उनका किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो उस सत्संग में जो है शामिल नहीं हुए थे और पिछले 1 साल से उनका इस तरह का इलाज चल रहा है। हम राधा रानी जी से बात करेंगे और उनके घर की स्थिति और जो राम सेवक जी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राधा रानी जी, आप पूरा मामला बताइए कि किस तरह से आपके पति का नाम जो है कमेटी के मेंबर्स में डाल दिया गया है, क्या पीछ हुआ था? ऐसा था तो हमने दान के लिए एक थोड़ा पैसा दिया था, तो हम लोगों ने इनका फोटो ले लिया था और नंबर ले लिया था। अच्छा, आप उनको तो पता था हम तो केवल टाइम से वाले टाइम को दे के आई थी कि कुछ थोड़ा बहुत खून हो जाएगा, पर इससे भी परेशानियाँ तेज होती है, तो आदमी डरता है थोड़ा बहुत खून तो अपना मेरे को जाता है, तो इसलिए हम दे के आई थी 10-15 हज़ार रुपये दिए मैंने को। तो हमें क्या पता था कि ये कमेटी में डाल नहीं है, हमें कमेटी से कोई लेना देना नहीं, हम कमेटी में शामिल नहीं है, तो वहाँ सत्संग में भी नहीं गए थे कि मेरे को इनको पता नहीं आता है, इनकी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे सांस और गया सब, मेरा भी शरीर सब खराब हो गया, तो हम लोग तो हम गए नहीं, हमें कोई कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन पैसे देने के लिए गया था दान के? आप गई थी, कौन गया था? बेटी गई, आपकी बेटी लेके जा रही थी पैसे बोलते थे। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि आप पुलिस ने जो है जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है, मुझे बहुत सारे लोगों का अज्ञात लोगों का भी नाम है, तो आपके हस्बैंड का भी नाम उसमें अज्ञात लोगों के अंदर शामिल हो सकता हो सकता है ना, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं? हमारा कहना ये है कि इनको महिमा में से निकाल दिया जाए, ये तो किसी मतलब नहीं है, नहीं तभी कर पाते नहीं है, कोई बात आती है तो मेरे ऊपर तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है, एक बेटी है, यही मेरे पास कोई सहारा नहीं है, यही एक सहारा नहीं, कुछ भी समझ लेते। तो आपको क्या लगता है कि जो सत्संग के लोग थे जो वहाँ पे आप जिनको आप कंसल्ट कर रहे थे उन्होंने आपके पति का नाम कमेटी में इतना डाल दिया गया, और कब से आप बाबा को जानती हैं, कब से आप उनके कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं? बाबा को वही ना 1-1.5-2 साल के करीब हो गई, तो हम बाबा के कहीं जाते आते तो नहीं है, मई उनकी जन्मभूमि है पहाड़ों नगरी, वहाँ तक जाते हैं, और हम सत्संग में क्योंकि चलने फिरने लाते नहीं है, सत्संग होता है तो गाड़ियाँ वहाँ अंदर जाने नहीं देते, हम पर चला नहीं जाता है, हमारी तो साथ सांस फूलती है और हम पर 2 किलोमीटर नहीं चला जाता, ये 10-5 कदम तो है तो घर में अपने घूम लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, बस कितना ही होता है, बेटी सारा कर सकती है, मेरे पे तो काम नहीं मैं तो 4 पारी तो खेलती रहती हूँ, बस ये मेरा तो ज्यादा हमको ज्यादा कंफ्यूज हुई नहीं हुई, और ना हमारी कोई तारीफ है कि हम वो करें, हमने तो केवल तान के वजह से फिर दुनिया दान करती है, मंदिर में कर देती है, तो हमने कि यहाँ सेवादार दुनिया का लगा है, भाई किसी के मुँह पड़ जाएगा हमारा भी थोड़ा बहुत नाम उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हम उनको पैसे दे के आए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्यों बाबा के जो है इतना शरण में चली गई थी, क्यों इनको पूजन लगती थी, क्या वजह रही उससे? हम ये वजह थी कि हम सरकारी सदर बहुत खराब थी, हमें कोई नहीं कर सकता फिर ये बच जाए, हम इतनी तबीयत खराब थी, बरेली की दवा चल रही थी हमारी, तो हमें दवा नहीं लगाई थी, तो हमें किसी ने रास्ते चलते हुए बताया कि तुम वहाँ चले जाओ प्रभु के नाम पर, तो क्या कहते हैं आपको सहायता मिल जाएगी, तो हम उनके दाम पर चले गए, तो उनको आराम मिला, तो इसलिए हम उनसे ऐसे जो। तो बाबा क्या करते थे? बाबा कुछ नहीं करते हैं, बाबा मिलते ही नहीं है, तो आप जब जाती थी उनके धाम पे तो क्या देखा था आपने, क्या क्या होता था धाम पर? कुछ नहीं होता था, जैसे धाम पर जाते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, जैसे गाड़ी वगैरह ले जाते हैं वही रुकवाते हैं, एक कितना बड़ा होगा उनका धाम पर तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो उनने अपना अपनी संपत्ति जो है उनकी प्रभु की वो तब इन्होंने सेवादारों के नाम कर दिए, नाम दे दिए उनके। अच्छा, तो वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो वहाँ आते नहीं है, कई सारे हो गए हम जन्म हो गए,
तो हमें नहीं पता है कि हम तो अपने दही वो नमन होता है वहाँ बहुत बड़ी पम बन रहे हैं, कमरी वगैरह बन रहे हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे कितने कमरे में हाँ बन वगैरह कमरे में ना हम जाते हैं, हम तो एक रास्ता है अच्छा उसी पर जाते हैं और एक जगह वहाँ इनके प्रभु बाबू है तो वहाँ नमन करते हैं, वो एक आगे थोड़ा चल के मैया का वो है तो वहाँ करते हैं। अच्छा फोटो लगी हुई है वहाँ नमन करते हैं आप? फोटो कहीं नहीं लग रहा है ना, दीवारों पर वैसे कुछ डिजाइन ऐसी बन रही है थोड़ी। किस चीज के डिजाइन है कुछ बता सकते हैं? फूल है, किसी की मूर्ति है, क्या मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं है, क्या है वैसे क्या बने हुए, क्या डिजाइन बने हुए? वैसे फूल है और वो है, वहाँ जाओ नमन करो जैसे ऊपर का चक्कर होता है तो वहाँ लोग खेल निकलते हैं तो पूरी वहाँ कोई किसी को पकड़ेगा ना अपने आप कोई घंटा दो घंटे जैसे खेलते हैं शांत हो जाते हैं तो अपने परिवार ही कोई घर वाला नहीं छू सकता है, जैसे हम लोग साथ हों हमारा बच्चा कोई परेशान तो हम छू भी नहीं सकते हैं, वहाँ सेवादार लगे सेवादार ही नहीं छू सकते हैं, वो अपने सेवा पर बस इतना ही कहते हैं नमन करो और चलो नमन करो और चलो आते हैं और जाते हैं। यार तो वहाँ पे कितने लोगों में कितने लोगों को देखा आपने वहाँ पर? वहाँ बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है, इतने नहीं जाती हैं भर भर के जाती हैं और कम से कम बसे 10 मिनट खड़ी रहती हैं वहाँ आती हैं बाहर की तो हमने और गाड़ियाँ तो जाती हैं सूख जाती हैं, वही भीड़ बहुत हो जाती है मंगलवार दिन। अच्छा ठीक है, मंगलवार को क्यों भीड़ होती है? ये मंगलवार का ही इनका वो है ना। तो आप ये जो यहाँ पे सत्संग हुआ था इसमें शामिल नहीं थे? नहीं इसमें देखे थे? नहीं। अच्छा तो अभी अगर पुलिस जो है क्या पुलिस वालों ने आपको कॉन्टेक्ट किया है क्या कर? नहीं अभी कुछ नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है ना, आप लोगों की सब की सूचना है तो हुआ क्या है वो हम अपनी बता देते हैं जैसी है, क्योंकि हमको कोई डर नहीं है, हमारे पति तो आने जाने लायक नहीं है और ये सेवा भी कर नहीं सकते, बस कोई पैसों का वो पड़ गया तो निदान हो जाइए वो उन्होंने उनका नाम नंबर वो रजिस्टर कर चढ़ा बिना आपकी बिना बिना जानकारी के ना, हमको हमारे को उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम तुमको कमेटी में लेंगे कि नहीं लेंगे या तुम्हें कमेटी में शामिल करेंगे ना, तो कुछ नहीं बताया तो केवल दान की वजह से वो दिया था कि सत्संग हो रहा है सब लोग आ रहे हैं वही खाना पीना और वो बनना है तो कष्ट दान में बाहर के आदमी आ रहे हैं तो खा लेंगे तो छोटे से दान पुण्य मिल जाए छात्र छात्र तबियत तो खराब रहती है दोनों की और कोई हमारे पास सहारा नहीं है तो मतलब बेटी है या बेटा फेटा मेरे पास है नहीं अपना ऐसे ही गुजारा जी। तो जो सत्संग की कमेटी है उसमें लगभग 78 लोगों का नाम है, हम जब घटनास्थल पर मौजूद थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर था जिसमें 78 लोगों की सूची थी और उसमें सबके नाम और उनके पिता या पति का नाम उनके साथ था, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी और उनके फोन नंबर के साथ वो पूरी सूची लगाई हुई थी। हमने लगभग 20 से 30 लोगों को कॉल करने की कोशिश की जिसमें ज़्यादातर लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ आए हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया है और एक शख्स और हमारी बात हुई है जिनका नाम कमेटी के मेंबर में था, उन्होंने हमें अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि उनकी जो पत्नी है वो बाबा के सत्संग में जाया करती थी, बाबा को सुना करती थी, उनको फॉलो किया करती थी, तो जब वो सत्संग में जा रही थी कुछ दिन पहले वहाँ का जायज़ा लेने के लिए उनके हालात को देखने के लिए, तो वहाँ पर उनकी पत्नी से कहा गया कि आप दान में कुछ पैसा दीजिए ताकि पानी का जो हम इंतज़ाम कर सकें, उनकी पत्नी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जो सेवक थे बाबा के उन्होंने कहा कि हम आपके पति का नाम जो है कमेटी के मेंबर्स में लिख देते हैं और वो आकर यहाँ पे पानी पिला सकते हैं, लोगों को सेवा दे सकते हैं और उनका नाम जो है पोस्टर में भी आएगा। इस बात की जो जानकारी है जिन शख्स का इसमें नाम लिखा गया उनको नहीं बताया गया था, तो उन्होंने द प्रिंस से बात करते हुए जानकारी में कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उनका नाम भी कमेटी के मेंबर में डाल दिया गया है। मैं मनीषा मोंडल के साथ सिकंदर राव से हिना फातिमा तब होती हूँ।